मेरा आइट से तेरे तेरा गाल के बाद अभी जब मारा शासन ने तेरे गाले का ठहराव रद्द किया इसी तरह जगाएंगा मगर वो इस वजह से भी हो सकता रुका हो उसमें कहीं ना कहीं हमारे गांव के आमदार का या रिक्वेस्ट की गई तो ला कर वापिस वो फाइल जमा करवाए उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है मगर वो भी ठहराव रद्द होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का सिर्फ तो ये मकसद है कि एक साल में लगभग होने को ओपन गाले के ठहराव का और ओपन स्पेस भी गैर कानूनी तौर पर किसी को भी देखो रुपया आवाम समझ नहीं पाती ये लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता ये कहावत बाद में जब उसको तोड़ा जाता तो वह आदमी ढूंढ पसीने की लाखों रुपये की कमाई का कोई पूछने वाला नहीं रहता हो जाता। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इस किस्म के जितने भी ठहराव हो रहे उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है ना ही उस मामले में कारपोरेशन को किसी किस्म की हिंसा करने वाला लालच में अगर वो ले लेता तो उसका साल दो साल के बाद जिस तरह ना मेरा आयत से अगर टूटा और दूसरे मामला हुए उसमें जो लोगों के लाखों के नुकसान हुए वो लोग खुद हमारे पास आए कि यार हमने तो इतना पैसा दिया था हमने तो ये किया था मगर उसमें फिर ना हम कुछ कर पाते हैं और ना वो लोग कुछ कर पाते हैं। अख्तियार पार्टी ये बात मुस्तकीम बिगरटी साहब ने महागठबंधन की तरफ से कही तो सियासी पार्टियों के वर्कर भी और अखबारी नुमाइंदों ने कारपोरेशन में जारी बदरवानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कोशिश करने वालों को ताकत बख्शी और अवामी राय बनाने में मदद दी। आज वो कोशिश समरावर हुई और मालेगांव कारपोरेशन का वो तजवीज़ महाराष्ट्र सरकार ने रद्द की जिसका दूसरा मतलब यह है कि उस तजवीज़ के तहत हासिल की जाने वाली तमाम गैर कानूनी चीज़ें कारपोरेशन अपने कब्जे में दोबारा ले सकती है। इसको हम लोग निशानी मानते हैं। काफ़ी वक्त लगा इस लड़ाई में लोग मरण मरण के बैठे तहरीकें हुई अलग अलग वक्फे में अलग अलग जगह कामयाबी हुई। हम जब कारपोरेशन का इलेक्शन महागठबंधन के नाम से लड़ रहे थे तो ऐसी बदअनुमानियों के सवाल पर हम लोगों के बीच भी गए अपने सियासी स्टेज से हमने दस्तावेजी सबूत भी लोगों के बीच आवाम के बीच इलेक्शन के ज़माने में लोगों को मुहैया कराने का हॉल के बाहर आवामी तौर से लोगों को साथ लेके वो काम करने में यकीन रखते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तेरहवें गाले के ठहराव को विखंडित करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला ये खतरे की घंटी है चोरों के लिए भी बेईमानों के लिए भी सत्ता के नशे में मस्त कांग्रेस आई के और शिवसेना के लोगों के लिए भी कि अगर इख्तदार का फायदा गैर कानूनी ढंग से उठाया जाएगा तो बराबर अगर उसकी मुखालिफत हो अवामी ताकत उसके साथ हो कानूनी तौर से उसके खिलाफ कोशिश की जाए तो हर हाल में बराबर नतीजा अवाम के हक में आता है। हंसी में आपने मालेगांव शहर में कारपोरेशन के जरिए अवामी खजाने की लूटमार के सवाल पर तहरीक चलाने वालों की हौसला अफजाई की राय आमा बनाने में मदद की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने में मदद की। उसी तरह हम सब देखते हैं अखबारात में भी खबरें हैं तमाम उर्दू मराठी अखबारात में भी कि महासभा में जमीनों के सवाल पर उस जमीन का पर्पस क्या उसका रिजर्वेशन क्या वो अलॉट की जा सकती है कि नहीं कोई कार्यालय टिप्पणी ना होते हुए भी सवाल कारपोरेशन में आते हैं और नियत उसके पीछे कई हम सब बैठे हैं और कांग्रेस आई के बारे में हम लोग बराबर बोला करते हैं कि जहां इनका कदम लगा वहां बराबर चोरी निकली तो इनकी नियत कभी कोई नेकी और सवाब भी तो हुआ नहीं करती। मालेगांव कारपोरेशन में जो कुछ तजवीज़ें मनगढ़ंत बगैर कानून को जहन में रखते हुए पास हो रही हैं जमीनों के सवाल पर चाहे गार्डन हो किसी को गाले बनाने के देने के लिए सवाल पर हो या मालेगांव शहर में वो तजवीज़ें जिन पर अमल होना भी मुस्तकबिल में बाकी होगा आगे होने वाला होगा ये सब चोरी को बढ़ावा देने वाला है। और महागठबंधन इस अखबारी नुमाइंदों की पत्रकारों की वार्ताहर परिवहन की बंदर बांट के सवाल पे चोरी के नियत से की गई तजवीज़ों के खिलाफ लोगों में जाके तहरीक चलाने का काम भी करेगी। ले गए थे हाई कोर्ट ने जो है उस तेरहवें गाले को लेकर के जिस तरह के मामला यानी आदेश दिए हैं उसके पेश नज़र ये एक ऐसी शुरुआत है जो शहरियों के हक में है। आज तेरहवें गाले को कमिश्नर ने नोटिस जारी कर दी है और आज की रिपोर्ट ये है कि मराठी स्कूल पांजरा पुल के पास
जो गाले बना करके बीसियों गाले बना करके 4-4 लाख 3-3 लाख रुपया लेकर दिए गए, वो ठहराव भी विखंडित हो चुका है। इस तरह गरीबों का पैसा कारपोरेशन के नाम पर, कारपोरेशन की जगहों के नाम पर लोगों से वसूल किया जा रहा है और हजम किया जा रहा है, और ये सारे ठहराव रद्द हो करके आएंगे और ये सारे उजाड़ दिए जाएंगे। इनके पैसों की वापसी की कोई शक्ल नहीं। हम लोगों को, आप लोगों के माध्यम और तवसुस से ये खबर देना चाहते हैं कि इस तरह चाहे वो गार्डन की जगहों पर लाखों रुपया देने की बात हो या ओपन स्पेस के नाम पर लाखों रुपया देने की बात हो, और बोगस गाले जिस तरह आज कांग्रेस के कारपोरेटर लोग जो है बगैर किसी कायदे कानून की पासदारी किए बगैर बना रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। उस पस मंज़र में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली।